तो जी, जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 हट चुका है, साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर यूटी भी बन चुका है, और उसके बाद पहली बार घाटी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर होते हैं चुनाव, डीडीसी चुनाव। वो प्रक्रिया जो पूरे देश में अब तक होती आई थी, मगर जम्मू और कश्मीर में नहीं होती थी। डीडीसी चुनाव यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव, ये अभी तक पूरे देश में होते थे लेकिन जम्मू और कश्मीर में नहीं होते थे। तो अब 370 के हटने के बाद ये पहली बार यहां पर हो रहे हैं, और इन चुनावों के आज नतीजे भी आए हैं। तो अब यहां से क्या क्या टेक अवे हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, एप्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू और कश्मीर में पहली बार चुनाव हुए, डीडीसी चुनाव थे, और ये चुनाव 1947 से अब तक पहली बार यहां पर हो रहे थे। अब इन चुनावों के लिए सात बड़ी पार्टीज, वो सात बड़ी पार्टीज जो अभी तक एक दूसरे को काटने को दौड़ती थी, जो अभी तक एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ती थी, उन्होंने अलायंस कर लिया। और इनमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एनसीपी पीडीपी इतनी बड़ी पार्टी है जम्मू और कश्मीर के पर्सपेक्टिव से कि साल दर साल, चुनाव दर चुनाव यहां पर जो सरकारें बनती आई हैं वो इन्हीं पार्टीज के दम पर बनती आई हैं। अब इन्होंने आपस में अलायंस कर लिया, तो इसका क्या रिपल इफेक्ट होगा वो आप समझ सकते हैं। मतलब ये जो अलायंस है, ऐसा अलायंस था मानो मंगलू लक्कड़ बग्घे की खूब लड़ाई होती थी उसकी चीनी पड़ोसन से, और उसके बाद अपनी चीनी पड़ोसन को लेकर ही मंगलू लक्कड़ बग्घा भाग गया। अब ये जो अलायंस बना, इसको गुपकार गैंग का नाम दे दिया गया अमित शाह के द्वारा, और उसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। नेशनल टीवी पर डिबेट होने लगी कि अमित शाह ने सही बोला क्या गलत बोला, एक पक्ष सही बोला कह रहा था, एक पक्ष गलत बोला कह रहा था। अब ये जो गुपकार अलायंस था, इन्होंने शुरुआत में कहा था कि हम ना जम्मू कश्मीर में कोई भी चुनाव होगा उसको बॉयकॉट करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने तो ये भी कह दिया था हम बॉयकॉट करेंगे, बीजेपी चुनाव अकेले लड़ लेगी और वॉकओवर ले लेगी, ठीक है खेल लो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ऐसे खेलनी है तो। लेकिन इस बात से बिल्कुल बेफिक्र भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जाती है जम्मू और कश्मीर में, और अपना कैंपेन शुरू करती है। अब जैसे ही भाजपा का कैंपेन वहां पर शुरू होता है, उसके बाद ये जो बॉयकॉट करने का प्लान बन रहा था गुपकार अलायंस का, उन्होंने इस प्लान को ही बॉयकॉट कर दिया। गुपकार अलायंस का कहना था कि हमने कश्मीर के भले के लिए चुनाव लड़ा। जब वो चुनाव को बॉयकॉट कर रहे थे तब भी वो यही कह रहे थे कि हमने कश्मीर के भले के लिए चुनाव को बॉयकॉट किया, यानी कि आप कुछ भी करो आप कश्मीर का भला ही कर रहे हो। लेकिन यहां पर कैच है, इन्होंने जो भी फैसला लेना था उससे भला भारतीय जनता पार्टी और भारत का ही होना था। और ये कैसे होता, अगर ये चुनाव का बॉयकॉट करते तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत जाती, वॉकओवर ले लेती और उनकी सरकार वहां पर रहती, और फिर उसके बाद वहां पर सरकार में बैठकर वो जो भी डिसीजन लेते वो लेते। अब एक तरफ वो लोग जो ये कह रहे हैं कि चाइना की मदद से 370 को दोबारा लागू कर देंगे, और एक तरफ वो लोग जो भारत का झंडा वहां पर फहरा रहे हैं शान से इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, तो ऐसे में भारत का भला होना तो तय था। वहीं दूसरी ओर अगर ये कहते कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, तो भाई अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो ये आर्टिकल 370 के हटने के बाद चुनाव पहली बार लड़े जाते, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव लड़े जाते, और उसके बाद डेमोक्रेसी की जीत होती, यानी कि भारत की जीत होती। तो गुपकार अलायंस ने दूसरे वाला ऑप्शन चुना और चुनाव लड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अब बड़े शान से कह रही है इस बात को कि देखिए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा के हमने चुनाव कराया, बड़े अच्छे से चुनाव हुआ, कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं हुई, और तो और वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा आई। यानी बीजेपी शान से कह सकती है कि सब चंगा सी, सब नॉर्मल सी। तो जी 28 नवंबर यानी कि 28 नवंबर से 22 दिसंबर यानी कि 22 दिसंबर तक चुनाव चलते हैं, 8 फेजेस में चुनाव होते हैं, और उसके बाद अब रिजल्ट आता है। और उसमें हमें यह भी पता चलता है कि जिस कश्मीर में साल 2018 में केवल 3% यानी कि इन 2018 देयर वर ओनली 3% वोटर टर्नआउट, वहां पर अब 50% से ज्यादा वोटर टर्नआउट आता है। कुछ जगह तो ऐसी होती हैं जहां पर 80% से ज्यादा का टर्नआउट आ जाता है वोटर्स का। 2017 का बाईपोल हो या उसके अलावा दूसरा वाला बाईपोल हो, उसमें भी 7% से ज्यादा लोग
वोट देने नहीं आए, और अभी 50% से ऊपर वोटर टर्नआउट आता है और कई जगहों पर 80-80% का वोटर टर्नआउट आता है, तो शायद ये डेमोक्रेसी की बड़ी जीत है। अब अगर नतीजों की बात करें तो जम्मू प्रोविंस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्ट्रांग होल्ड दिखाया, वहीं दूसरी ओर गुपकार अलायंस ने कश्मीर के अंदर यानी कि घाटी के अंदर अपना स्ट्रांग होल्ड दिखाया। अगर 9 बजे तक के नतीजों की बात करें तो भाजपा के पास 75 सीट्स थी, एनसी के पास यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 68 सीट्स थी, पीडीपी के पास यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी के पास 29 सीट्स थी, कांग्रेस के पास 24 सीट्स थी। अब इसे देखकर अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के हेड ने ये लिख दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जम्मू और कश्मीर के अंदर। अब इसे देखकर कोई भी ये हो जाएगा, अरे भाई जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई, तो बहुत तगड़ा हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि गुपकार अलायंस जो थी वो अलायंस में लड़ी थी। अब एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक सीट पर नहीं लड़ी, अगर वो हर एक सीट पर लड़े होते तो शायद कुछ और नतीजा हो सकता था। और अगर ऑन द फ्लिप साइड एनसी और पीडीपी एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े होते तो क्या पता भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सीट्स ले जाती, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। लेकिन नतीजों में सबसे बड़ी बात है वो ये है कि 3 सीट्स भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर वैली से निकाल ली, जो कि बहुत बड़ी बात है चुनावों के संदर्भ में। अब यहां से टेक अवेज क्या है? पहला टेक अवे तो यह है कि पूरे प्रदेश में पीसफुल इलेक्शंस हुए, जबकि 370 को हाल ही में हटाया गया था। दूसरा टेक अवे यह है कि कश्मीर में वोटर टर्नआउट बढ़ा है, जो कि 2018 में केवल 3% था। तीसरा टेक अवे यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में 3 सीटें जीती, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और चौथा टर्नआउट यह है, टेक अवे यह है कि जम्मू और कश्मीर में फेयर इलेक्शन हुए, कोई रिगिंग नहीं हुई, कोई ईवीएम का रोना नहीं हुआ, कोई फाउल प्ले नहीं हुआ, विच मीन्स इट वॉज अ विन ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसके बाद फखदुल्ला जाते हैं राजदीप सरदेसाई के शो में और वहां पर जाकर बैठकर कहते हैं कि जम्मू रीजन में गुपकार ने 35 सीट्स ली हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केवल 3 सीट्स ली हैं कश्मीर वैली में। तो इसका मतलब उन्होंने ये निकाला कि गुपकार अलायंस का जो एक्सेप्टेंस है वो जम्मू और कश्मीर में दोनों ही जगह पर है, और साथ ही साथ उसका मतलब ये है कि जम्मू और कश्मीर दोनों ही प्रोविंस जो हैं वो 370 को नकार देते हैं। अब ऑन द फ्लिप साइड देखें तो वैली के अंदर, कश्मीर के अंदर इंजीनियर एजाज खान जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको जिता दिया जाता है कश्मीर के लोगों के द्वारा। अब उनकी ये वाली स्पीच सुनिए आप। एक टाइम था जब महबूबा मुफ्ती या बाकी पॉलिटिकल पार्टियां वो बोलती थी जब धारा 370 यहां से हट जाएगा, यहां पे कोई हिंदुस्तान के तिरंगे को हाथ लगाने नहीं आ जाएगा। मैं उन सब ताकतों को बोलना चाहता हूं कि आप आ जाइए, आज देखिए, आज भारत का जो तिरंगा है, आज देश की जो आन बान शान, वो पूरे देश में नहीं जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में आज शान के साथ ले जाता है। तो मतलब इस आदमी को बीजेपी के बैनर के तले कश्मीर में श्रीनगर में इस तरीके का भाषण देने के बाद अगर वोट मिलते हैं, उनको जिताया जाता है, तो अब आप इस बात को किस तरीके से लोगे, वो भी आप हमें बता दीजिए मिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। तो दोस्तों ये थे कुछ टेक अवेज कश्मीर के चुनाव से, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिलेगा। साथ ही साथ patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू आप हमें हेल्प कर सकते हैं, हेल्प बेहद वांछनीय है। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।